हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूज़फुल रेसिपी को लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि घर में राइस पेपर कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये मार्केट में तो आसानी से मिल जाते हैं, पर कहीं कहीं अनअवेलेबल होते हैं। इन्हें आप घर में बड़े ही आराम से केवल दो सामान के साथ बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन राइस पेपर्स को बना करके आप किचन में बहुत सारे स्नैक्स और आइटम्स बना सकते हैं, जैसे कि नूडल्स में कवर करके उन्हें स्टीम कुक करके उनके पीसेस कट कर लीजिए, चाहे तो उसे डीप फ्राई करके स्प्रिंग रोल्स बना लीजिए। और फ्रेंड्स, आपको जान के ये बहुत अच्छा लगेगा कि इनसे आप राइस पेपर सेल्स भी बना सकते हैं इस तरीके के। मैं जल्द ही इन्हीं राइस पेपर को यूज़ करके इन राइस पेपर सेल्स को बनाने का मेथड शेयर करने वाली हूँ। और इन राइस पेपर्स को बना करके फ्रेंड्स, आप अपने केक्स पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी और बहुत ही झटपट बनने वाली। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। केवल दो सामान के साथ ही बनकर के तैयार हो जाती है। इन्हें बना करके आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन चाहे उन्हें यूज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, राइस पेपर बनाने के लिए हमें एक बाउल में डालना होगा 2 टेबलस्पून भर करके राइस फ्लार, यानी कि चावल का आटा। या आपको किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे घर में बना सकते हैं। उसी के साथ हम फ्रेंड्स 2 टेबलस्पून ही डालेंगे कॉर्नफ्लार, यानी कि कॉर्न स्टार्च। ये भी आपको किसी भी जनरल स्टोर पर मिल जाएगा। बस फ्रेंड्स, हमें केवल ये 2 ही इन्ग्रीडियंट चाहिए। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कॉर्न स्टार्च नहीं डालते हैं तो आपको पोटैटो स्टार्च की ज़रूरत पड़ेगी। हमें राइस फ्लार के साथ कोई ना कोई एक स्टार्च डालना है। तो मैंने यहाँ कॉर्न फ्लार डाला है। अब हम पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा फ्रेंड्स। पहले मैंने देखिए 3 चम्मच डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अभी ये थोड़ा थिक है तो इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। फिर से इसे मिक्स करेंगे। आपको फ्रेंड्स इसका इस तरीके की कंसिस्टेंसी वाला एक बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। बिल्कुल जैसा हम डोसा तैयार करते हैं उसी तरीके का बैटर हमें चाहिए। और हमें फ्रेंड्स इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। फ्रेंड्स, राइस पेपर बनाने के लिए आपको इस तरीके की माइक्रोवेव सेफ प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी अंदर गहरी है, बस इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस तरीके के किचन क्लिंग रैप से रैप कर देंगे, क्योंकि हम इसी शीट के ऊपर ही ये पतले पतले अपने राइस पेपर बनाने वाले हैं। तो मैं इसे साइड से कट कर लेती हूँ और इसको अच्छे से इस प्लेट पर लगा देती हूँ। आपको एकदम टाइटली खींच करके इस शीट को लगाना है। अगर फ्रेंड्स ये शीट सही से नहीं लगी तो जो बैटर है हमारा बीच में ही इकट्ठा हो जाएगा और हमारा राइस पेपर फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए, मैंने इसे खींच कर लगाया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं अपना एक एक करके राइस पेपर। सबसे पहले हम अपने घोल को ले लेंगे, अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे ताकि अगर गाढ़ापन नीचे बैठा है तो अच्छे से आ जाए। और बस इसका 1 टेबलस्पून हम इस प्लेट के बिल्कुल सेंटर में डालेंगे और इसे उठा करके हम धीरे धीरे रोटेट करेंगे। हमें इसको एक राउंड सी शेप देनी है। तो आप धीरे धीरे इस प्लेट को इस तरीके से रोटेट करते जाइएगा, ये मिक्सचर अपने आप ही स्प्रेड होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको देख के भी कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं। ज़्यादा पतला होने से ये फिर प्लेट से नहीं छूटेगा और अगर ज़्यादा गाढ़ा बैटर हो गया तो बहुत मोटा राइस पेपर बनेगा। तो कंसिस्टेंसी का बहुत फ्रेंड्स ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से रोटेट कर लिया है और अब लगभग 45 सेकेंड के लिए फ्रेंड्स मैं इसे माइक्रोवेव करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, माइक्रोवेव करने के बाद ये कुछ इस तरीके का हो गया है, पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसे फिर हम आराम से बाहर निकाल पाएँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने एक और प्लेट तैयार की है और उसमें भी एक और राइस पेपर बना लेती हूँ। तो बस 1 चम्मच आपको ये घोल डालना है, धीरे धीरे प्लेट को रोटेट करना है इस तरीके से। जितना भी बड़ा बनाना चाहें फ्रेंड्स, आप उस हिसाब से अपना मिक्सचर डालिएगा। और बस फ्रेंड्स, इसे अच्छे से रोटेट करके हम इसे 45 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी दोनों प्लेट्स के ऊपर जो राइस पेपर थे वो अच्छे से बन गए हैं। एक में थोड़ा सा डार्क पार्ट आया बीच में फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ शायद बैटर अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा राइस पेपर अच्छा ही बनेगा। अब हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके अपने राइस पेपर को इस पे से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ी सी शीट को खोल लूँगी ताकि मैं इसकी कोने की एक एज को निकाल पाऊँ और उसे पकड़ पाऊँ। इस तरीके से देखिए, ये आराम से आपके हाथ में आ जाएगी। और उसके बाद आप शीट को फिर से वहीं प्लेट पर लगा दीजिएगा और धीरे धीरे करके आप इस पेपर को अपनी तरफ खींच लीजिएगा।
बहुत ही हल्के हाथों से फ्रेंड्स आप इसे करना। आराम से देखिए बाहर आ गया, कितना पतला हमारा राइस पेपर बन करके तैयार हुआ है। मेरी नीचे से फिंगर्स भी आपको दिख रही हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। इसे आप इस तरीके से किसी भी रैक पर रख दीजिएगा ताकि इसे दोनों तरफ से हवा मिले और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे फ़ैन के नीचे ही ऐसे ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा वाला राइस पेपर भी निकाल लेते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स सबसे पहले आपको पॉलिथीन को खोल करके इसकी एंड्स को निकालना है और उसे अच्छे से पकड़ना है और बस धीरे धीरे करके इसे खींच लेना है। हल्के हाथों से फ्रेंड्स आप इसे खींचेगा, कभी कभी ये टूट भी जाता है। देखिए मैं इसे हल्के हाथों से खींच रही हूँ, आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा पेपर भी एकदम आसानी से निकल आया है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही सॉफ्ट और नाजुक होता है फ्रेंड्स। इसे आप फटाफट से बना करके किसी भी रैक या प्लेट पर रख दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स ये कड़क हो जाएगा और तब हम इसे बाकी के यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे घर का बना हुआ एकदम ट्रांसपेरेंट राइस पेपर रेडी हो गया है, वो भी केवल दो सामान से मिला करके। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं कई सारे राइस पेपर बना लेती हूँ। तो जब भी फ्रेंड्स आप राइस पेपर बनाएं, आप अपनी प्लास्टिक को अच्छे से टाइट कर लें, उसके बीच में ही एक स्पून अपना ये मिक्सचर डालें और धीरे धीरे रोटेट कर दें ताकि मिक्सचर बिल्कुल इवनली स्प्रेड हो जाए। और बस स्प्रेड करने के बाद आप इसे माइक्रोवेव ओवन में 45 सेकेंड या 50 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लें। ये देखिए और इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से मैं दूसरी प्लेट पर भी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, बस आप मेजरमेंट ध्यान रखिएगा। एक चम्मच का घोली डाल करके आप इन्हें बनाइएगा, तब आपके सारे राइस पेपर बिल्कुल एक जैसे तैयार होंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको ध्यान रखनी है, ना पतली होनी चाहिए ना गाढ़ी। देखिए दोनों बन गए हैं, इन्हें ठंडा करके अब हम फिर से निकाल लेते हैं। निकालने के लिए जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले बताया, थोड़ी सी प्लास्टिक आपको खोलनी होगी, इसके एंड्स को आपको अच्छे से पकड़ना होगा, बहुत ही पेशेंटली काम करना है ये धीरे धीरे। और बस जैसे ही आपका पेपर हाथ में आ जाए उसे अपनी तरफ धीरे धीरे आपको पुल करना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा साइड से टूट भी रहा है, पर कोई बात नहीं। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स अगर आपका ये प्लेट आ गया तो देखिए मेरा थोड़ा सा ये बीच में से ब्रेक हो गया है, ये वहीं से फट जाता है, तो आपको इसे हाथ पर डालते टाइम बहुत ध्यान रखना है। इसी तरीके से मैं और भी बना लेती हूँ। फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे अगर हमारे पास माइक्रोवेव ओवन ना हो तब इन्हें कैसे बनाएं, तब सिंपली फ्रेंड्स आपको माइक्रोवेव की जगह पर स्टीमर का यूज़ लेना है। जैसे कि आप इडली बनाते हैं बस उसी तरीके से इसे भाप में पका लेना है और फिर निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा हमारा राइस पेपर फिर से बन करके रेडी हो गया है, इसे भी मैं रैक पर डाल देती हूँ और अब हम इसे अच्छे से ड्राई करेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप जितने मर्जी चाहें ये राइस पेपर बना सकते हैं। लगभग 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच राइस फ्लावर से आपके 7 से 8 राइस पेपर बन जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कई सारे ये राइस पेपर बना लिए हैं, कुछ मेरे बीच में से ब्रेक भी हुए हैं, तो आपको निकालते टाइम थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इन्हें आप फ्रेंड्स या तो फैन के नीचे ड्राई कर लीजिए, नहीं तो अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इन्हें धूप में सुखा करके ड्राई कर सकते हैं। मेरे यहाँ अभी बारिश का मौसम है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इसे फ़ैन के नीचे ही ड्राई कर रही हूँ। अभी ये फ्रेंड्स थोड़े से सॉफ्ट हैं तो मैं इसे अभी 2-3 घंटे के लिए और छोड़ूंगी ताकि अच्छे से एकदम क्रिस्पी करारे हो जाए। तो मैं इसे अभी ड्राई होने देती हूँ अच्छे से। और फ्रेंड्स ये देखिए हमारे राइस पेपर अच्छे से हवा में ही सूख करके ड्राई हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आप इनकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने अच्छे ये ड्राई हुए हैं, कितनी क्रिस्प इनकी आवाज़ है और बहुत ही पतले हैं। फ्रेंड्स मैं अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में इनसे जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ, तो आप उन्हें भी देखिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, तो ट्राई कीजिए इन घर के बने हुए राइस पेपर को और मेरे साथ अपनी फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको ये रेसिपी कितनी अच्छी लगी, कितनी यूज़फुल लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी फ्रेंड्स एक नई इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।